भाई आज के सीन्स कुछ ऐसे हैं यार। आज मेरी फ़्लाइट है, कोविड के बाद तुम कह सकते हो कि मेरी पहली फ़्लाइट है। वैसे तो यार यूजुअली मैंने बहुत बार ट्रैवल करा, लेकिन कोविड के बाद आज सिचुएशन कुछ ऐसी चल रही थी कोविड टाइम पीरियड के अंदर कि लोग ट्रैवल नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब जो है कोविड के बाद पहली फ़्लाइट होने वाली है, और आज की फ़्लाइट में स्पेशल क्या है, बेसिकली आज पहली बार यार बिजनेस के अंदर, बिजनेस क्लास जो होती है उसके अंदर ट्रैवल करने वाला हूँ। वैसे तो मैंने यार यूजुअली जो है इकोनॉमी क्लास के अंदर ट्रैवल किया है। यार अब अंकित के पास चलते हैं, अंकित मुझे पिकअप करने वाला है, वही मुझे जो है बेसिकली फ्लाइट तक जो है ड्रॉप करेगा, एयरपोर्ट तक ड्रॉप करेगा, वहाँ पर चलते हैं अंकित से बात करते हैं। चलिए यार अंकित को मिलवाता हूँ तुम्हारे को, नई गाड़ी लाया है देख सकते हो तुम, टाटा टियागो। हाँ जी क्या हाल है सर आपके? बढ़िया सर, कैसे हो आप? बढ़िया सर बढ़िया। चले फिर, चलो तैयार हो फ्लाइट के लिए? बढ़िया सर बढ़िया, चलते हैं फिर। चलो तो गाइस फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट, तुम देख सकते हो एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। पीछे मेरे प्लेन तुम्हारे को दिखाई दे रहा है, और यही है आज की राइड हमारी, इसी के अंदर ट्रैवल करने वाले, यही हमारी बिजनेस क्लास है, यही हमारी इकोनॉमी क्लास है। तो तुम्हारे को इसका रिव्यू दिखाता हूँ यार। वैसे तो ये अंबाला के अंदर ही है, तुम लोगों को मैंने बोला था कि फ्लाइट के अंदर ट्रैवल कर रहा हूँ, कभी ना कभी जरूर ट्रैवल करेंगे यार बिजनेस क्लास के लिए, लेकिन आज के लिए जो हमारी फ्लाइट होने वाली है वो यही होने वाली है। तो तुम देख सकते हो, तुम्हारे को ठीक से दिखाता हूँ मैं, ये देखो ये प्लेन के पंख नहीं होता, प्लेन के विंग्स होते हैं जो उसके ऊपर भी यार सीटिंग है, यहाँ पे भी जाके हम ट्रैवल बैठेंगे, यहाँ भी देखते हैं यार क्या सीन है। ये चीज़ चेक करो यार, मुझे बचपन से पसंद है ये बड़ी चीज़। गाना जरा इसकी थोड़ी, भाई ये इसकी एंट्रेंस है यार, यहाँ से तुम एंटर करोगे जैसे प्लेन के अंदर एंटर करते हो। उसके बाद यहाँ पर ये जो एरिया आता है ना, ये टेलीफोन वगैरह लगा है, और ये पायलट के सिटिंग वाला एरिया होता है, यहाँ पायलट बैठता है, इसे कॉकपिट कहते हैं। यहाँ से व्यू चेक करो जरा, ओह बादल ही बादल, और ये मैं आसमान की ऊँचाइयों में, कोरा ही कोरा ये सारा एरिया यार। इससे स्टार्ट होता है प्लेन, इसको पकड़ के आगे पुश करोगे तो स्टार्ट होगा। ये सारे नेविगेटर्स है, सारा एरिया कॉकपिट का है भाई। ये बटन्स है यार, ये पता नहीं मुझे वैसे किस चीज़ के हैं, लेकिन बड़े ज़बरदस्त लग रहे हैं सारे बटन्स इकट्ठे लगे हुए। एक ख़तरनाक चीज़ तुम्हारे को दिखाते हैं अब, ये देखो। ओह इससे पहले भाई कभी मैं, ये प्लेन है सच्ची, प्लेन के पंख पे खड़ा हूँ मैं ये, और यहाँ पर भी इन्होंने सिटिंग दे रखी है। सबसे बड़ी यही चीज़ है कि डाइनिंग तुम पंख के ऊपर भी कर सकते हो। ये नहीं मान रहे तो ये देख लो, ये रहा प्लेन और ये उसका पंख है जहाँ पर मैं खड़ा हूँ। ओह बहुत बढ़िया, सामने पूल, क्या नज़ारा है भाई, अल्टीमेट लग रहा है। ये पीछे देख सकते हो तो मेरे प्लेन है, और ये सारा एरिया जो है मैं नीचे पंख के ऊपर खड़ा हूँ, बहुत अल्टीमेट लग रहा है भाई। मुझे तो एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया लगा इस जगह का। कभी तुम्हारा कभी मौका लगे तो यहाँ पर विजिट ज़रूर करना। अब खाते हैं, कुछ भूख बहुत ज़्यादा लगी है तो कुछ खाते हैं, और खाने का एक्सपीरियंस तुम लोगों को बताते कि कैसा लग रहा है, खाना कितना बढ़िया है। और सामने दो कबूतर भी बैठे हुए हैं, दो कबूतरों का जोड़ा भाई। अभी अभी किसी ने हैप्पी एनिवर्सरी यहाँ पे लिखा हुआ, किसी ने अपनी एनिवर्सरी भी यहाँ पे सेलिब्रेट करी है। तो यहाँ देख सकते हो तुम लोग, यहाँ पर ये चीज़ें इन्जॉय करते हैं, मतलब ये बहुत अलग सा कंसेप्ट है यार प्लेन के ऊपर। इससे पहले मैंने कभी जो है रेस्टोरेंट नहीं देखा, ठीक है, पहली बार विजिट किया, और मेरे को जो है डर भी लग रहा है यहाँ पे पंख के ऊपर खड़ा हूँ, क्योंकि मेरे को हाइट का फोबिया भी है थोड़ा बहुत। लेकिन ये जो एक्सपीरियंस है ये देख सकते हो, रनवे कितना बढ़िया लग रहा है, सामने फ्लैग यार, ये तो इंडिया का ज़बरदस्त है, इसकी तो कोई रीस ही नहीं है। चलो अब खाना खाने चलते हैं यार, खाना खाते हैं उसके बाद तुम्हारे को रिव्यू देता हूँ, खाने का कितना बढ़िया रिस्पॉन्स है उस चीज़ के बारे में बात करते हैं। मेन्यू कार्ड भी देखो, मेन्यू कार्ड के ऊपर भी पूरा जहाज बना रखा है इन्होंने, सारी चीज़ें बहुत बढ़िया लगी यार मुझे। बस एक चीज़ की कमी रहेगी, यहाँ पे ना सीट बेल्ट होती ना, और वो जैसे यहाँ पे कुर्सियों की पेटियाँ बांध लीजिए, विमान आपका उड़ने वाला है, वो चीज़ के लिए बेल्ट लगी होती ना, तो और बढ़िया एक्सपीरियंस हो जाता है यार। यार खाना अब हमारा आ चुका है, ये हमने कोल्ड कॉफ़ी मंगाई है, मैंने भी और अंकित ने, दो कोल्ड कॉफ़ी है, ये हमने दाल मखनी मंगाई है। और इसकी स्पेशलिटी क्या है, बेसिकली ये जैक डेनियल्स वाली दाल मखनी है, यहाँ पे इसके अंदर जो है जैक डेनियल्स जो विस्की होती है वो मिक्स करके, इन्फ्यूजन करके जो है बेसिकली दाल मखनी बनाई गई है। और साथ ही साथ हमने जो है चिली चिकन मंगाया है भाई, ये मैं खाता हूँ, कि तो खाता नहीं है चिकन, तो देखते हैं बाकी, अब टेस्ट करके बताते हैं कैसा बनाई है। I wish it was true.
भाई एक और खुशखबरी सुनने को मिली, अभी मैंने ना भैया से बात करी मैनेजर से यहाँ पे, तो वो तो एक तो पहले सबसे बड़ी बात मेरे नोन थे, और दूसरी बात यहाँ पर क्या है कि अगर कोई ब्लॉगर यहाँ पर आता है, कोई यूट्यूबर यहाँ आता है, तो उसके लिए यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट है जो एंट्री 100 रुपये जो हमने डिडक्ट करवाने थे वो भी यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट है। और एक और चीज़ मैं तुम्हारे को दिखा देता हूँ यहाँ पर कि यहाँ पर जो है पीछे मेरे तुम्हारे को कॉटेजेस दिख रहे होंगे, यहाँ पर क्या है स्टे की भी फैसिलिटी अवेलेबल है। तो अगर रात को भी कभी आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो, रात 10 बजे तक ये खुला हुआ है, और रात को भी अगर कभी आप आते हो तो यहाँ पर स्टे कर सकते हो। पीछे कॉटेजेस मेरे बने हुए, मैं आपको यहाँ पर जाके भी इसका रिव्यू दिखाता हूँ कैसे बने हुए, कितने बढ़िया तरीके से बनाए गए। यार अंदर जाके मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ कि कैसे इनकी हाइजीनिंग है, कितने क्लीनिनेस है इसके अंदर। कॉटेज जाके अंदर विजिट करते हैं, देखते हैं क्या इनकी कॉस्टिंग है, वो भी भैया से पूछते हैं। तो अभी अंदर लेके चलता हूँ तुम्हारे को। चलो अभी तुम्हारे को दिखाते हैं फिर अंदर कॉटेज का एक्सपीरियंस। ये भैया आ गए, अभी की लॉक्ड था यहाँ पर, अंदर जाके तुम्हारे को एक्सपीरियंस दिखाते हैं कॉटेज का। यार यहाँ से व्यू चेक करो पहले तो, ओह क्या ज़बरदस्त व्यू है, सामने बिल्डिंग्स बनी हुई है, फ्लैट्स है सामने, लेना हो तो बता देना, ये भी सस्ता दिला देंगे भैया। पार्टीज वगैरह भी होती है भैया यहाँ पे? हाँ जी भैया, पार्टी वगैरह भी होती है, प्राइवेट पार्टीज के लिए भी है भाई, फैमिली के साथ यहाँ आ सकते हैं। ओहो ये तो हनीमून स्वीट बना रखा है, क्या बात है भाई, चेक करो यार बहुत बढ़िया यार, LED भी लगा रखी है यहाँ पे। ओहो बहुत बढ़िया वाइब, बहुत बढ़िया लग रही है यार, सामने AC भी लगाया हुआ है, मतलब पूरा बैम्बू से बना हुआ है यार ये, मतलब नीचे सोफा वगैरह भी है, वॉशरूम्स भी दिखाता हूँ तुम्हारे को, एक सामने कबर्ड भी दिख रही होगी यार, मतलब छोटे से एरिया का बहुत बढ़िया तरीके से इस्तेमाल कर रखा है, बहुत बढ़िया क्लीन वॉशरूम्स हैं यार। ये तुम्हारा भाई देख रहे हो तुम, स्मार्टनेस देख रहे हो, सिंगल कुड़ियाँ DM करें। ओह गीज़र भी लगाओ भाई, कभी आना हो सर्दी में आना हो गर्मी में आना हो, गर्मी के लिए शावर्स लगे हुए हैं और सर्दी के लिए गीज़र लगा हुआ है, एग्जॉस्ट भी लगा हुआ है, बहुत बढ़िया यार, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया ये, ठीक है एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा बढ़िया लगा, बेड भी बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल है, बैठ के भी देख लेते हैं। ओह हो क्या बात है, चले फिर अब अंदर जाके तुम्हारे को खाने का दिखाते हैं कि खाना कितना बढ़िया है। ये तो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी लग रही है, बहुत बढ़िया, अगर कभी तुम आते हो रात को भी स्टे करने के लिए भी यहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल है। ये कंसेप्ट है ना जो बहुत नया है, तुमने कभी बस के अंदर खाना खाया होगा, तुमने कभी ट्रेन के अंदर भी शायद खाना खाया होगा, लेकिन प्लेन के अंदर जो है ये बहुत ही अलग कंसेप्ट है। यहाँ पर पहली बार जो है मेरे को अम्बाला के अंदर देखने को मिला, मतलब अम्बाला चंडीगढ़ रोड के ऊपर है, अम्बाला से चंडीगढ़ कभी जा रहे हो या चंडीगढ़ से दिल्ली कभी जा रहे हो तो अम्बाला बीच में अगर आपका कभी स्टॉपेज बनता है तो यहाँ पर ये चीज़ ज़रूर ट्राई करना यार, रात को भी ये 10 बजे तक खुला है, कभी आओगे तो एक्सपीरियंस ज़रूर करना है, यहाँ पर स्टे की भी फैसिलिटी अवेलेबल है। टाइम लैप्स यार, अब खाना पीना वो हमारा डन हो गया यार, खाने पीने की अगर मैं बात करूँ तो हमने दाल मखनी चिली चिकन और कोल्ड कॉफ़ी वगैरह पी थी, दाल मखनी यार बहुत बढ़िया थी, ज़बरदस्त बनाई गई थी, और चिली चिकन के अंदर तेल थोड़ा ज़्यादा था लेकिन बहुत बढ़िया वो भी बनाई गई थी। अब यहाँ तुम देख रहे होगे यार यहाँ पर बहुत ज़्यादा अभी सुनसान है इस टाइम पे, बिकॉज 4 बजे करीब यहाँ पर दोपहर के अंदर लोग कम आते हैं, लेकिन रात का जो व्यू होता है ना वो बहुत ज़्यादा अल्टीमेट होता है यार, अगर कभी आओ यहाँ पर विजिट ज़रूर करना, बहुत अल्टीमेट एक्सपीरियंस है, और रहने के लिए भी इन लोगों ने इंतज़ाम कर रखा है। यहाँ पर तुम पीछे मेरे देख रहे होगे कॉटेजेस बन रखे हैं, बहुत एक नंबर कॉटेजेस बनाए गए। सो इसी के साथ हमारा आज का व्लॉग जो है यहाँ पर ख़त्म करते हैं, आई होप जो है यार आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड अगर पसंद आएगा तो लाइक जरूर करेगा, और चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा।